इसीलिए प्रेरित पॉल कहता है कि हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, मैं उसका खंडन करता हूं। क्या करता हूं? खंडन। इस वचन को पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखो, सेकंड कुरिन्थियस, दूसरा कुरिन्थियस 10 की ये 3 है। यहां पे ऐसे लिखा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन, हालेलुया। कैसे कहता प्रेरित पॉल? कैसे कहता? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर के नहीं पर घड़ों को ढा देने के लिए क्या है? परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। आपको पता, जब इसराइलियों के सामने एक जरीहो की दीवार आ गई थी, क्या आ गई थी? इसराइलियों के सामने एक जरीहो की दीवार। कौन सी दीवार? जरीहो। और परमेश्वर ने अपने लोगों को एक वचन दिया। क्या दिया? वचन दिया अपने दास यहोशू को कि मेरी प्रजा मेरे लोगों को कह कि इस दीवार का रोज 6 दिन तक क्या लगाओ? चक्कर लगाओ। हाँ? पता नहीं वो कितनी लंबी थी, ये तो नहीं पता कितने किलोमीटर दूर थी, कितनी लंबी थी, कितने किलोमीटर थी, पर बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू को अपना वचन दिया और उसने कहा इसराइलियों से कहे कि इस दीवार का रोज 6 दिन तक चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना। कितने दिन? 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना और ये दीवार अपने आप क्या हो जाएगी? हाँ, अगर इसराइली कहते कि एक दिन मुश्किल से ये चक्कर लगता है, अभी 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना ये नहीं हो सकता, ये कठिन है। क्योंकि परमेश्वर अपना काम, मैंने कहा ना, हर एक काम परमेश्वर मनुष्य से कराता है, पर अगर मनुष्य को ये बुद्धि नहीं, उसके पास समझ नहीं है, तो वो कैसे हो जाएगा उसे पता नहीं। हा? तो उसने कहा 6 दिन इसका चक्कर लगाओ, फिर 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना और ये दीवार अपने आप क्या हो जाए, है ना? अगर वो परमेश्वर की सुनकर वैसे ना करते तो वो इतनी लंबी और चौड़ी दीवार जिसे उसे घराना एक मनुष्य के लिए कठिन था, पर परमेश्वर के लिए नहीं। क्या था? परमेश्वर के लिए नहीं, पर अगर उन्होंने वैसा किया तो वो अपने आप दीवार डाएगी। हाँ, गिर के आज भी बोलो क्या है? इसीलिए तो वो कहता है कि घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम हर एक कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञा करें। भावना मतलब समझते ना, भावना मतलब सोच, भावना मतलब सोच हमारे अंदर बनती है। क्या बनती है? जो सोच हमारे अंदर बनती है, कल्पना एक सोच, उसका खंडन। पॉलस कहता है मैं खंडन करता हूं। खंडन मतलब मैं उसको अपने अंदर बनने नहीं देता। जैसे आज पता नहीं मनुष्य के अंदर कैसी कैसी बातें बन जाती है। हाँ, यही तो एक बोझ है। यीशु मसीह ने जो कहा, हे बोझ तले लोगो, अपने भारी वाला बोझ मुझे दो हल्का, यही तो बोझ है, बातों का बोझ, जो पॉलस कहता है कि मैं उनका खंडन करता हूं, पर लोग करते नहीं। वो एक बात पहले, एक बात से फ्री नहीं और दूसरी बात में वो दब गई, दूसरी बात से छुटकारा नहीं मिला, तीसरी बात आ गई, तीसरी से नहीं मिला, चौथी आ गई, और वो बार दबते जा रहे और पूरा दबकर ऐसे हो चुके। तो कैसे करेगा मन उनका प्रार्थना करने को, संगति करने को? हाँ, कैसे करेगा? ये बात समझ आ रही है?
क्योंकि एक बात क्लियर नहीं हुई, एक बात से छुटकारा नहीं मिला और दूसरी बात ने दबा लिया। हाँ, एक बात अभी मन से गई नहीं और दूसरी आ गई, दूसरी नहीं गई तीसरी, और ऐसे ही पता नहीं कितनी बातें मनुष्य के अंदर वो बैठी हुई हैं जो उसे दबाकर बैठी है। पर यीशु ने कहा अपने बोझ मुझे दो। हर चीज प्रैक्टिकल करो, क्या करो, हर चीज प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे नहीं, जैसे उन्हें कहा कि 6 दिन चक्कर लगाओ, अगर वो बैठे रहते उस चीज को प्रैक्टिकल ना करते, रोज चक्कर ना लगाते, तो कैसे वो दीवार गिरनी थी। बोलो, यही चीज है, क्योंकि हर चीज को अपने समझ के करना है। क्या करना है? और पहली बात कि कोई भी चीज, बुरी चीज अपने मन के अंदर बनने नहीं दे। क्यों लिखा है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला और ये सबसे खराब चीज है। पर परमेश्वर ने कहा मनी से जीवन की धारें निकलेंगी। मनी सबसे, सब चीजों से धोखा देने वाला। बोलो क्या है? और मन ही से जीवन की धारें निकलेंगी। हाँ, पर अगर आप वो बातें अपने मन के अंदर जमा कर रही हो, उसे प्रेरित पॉल जैसे खंडन करना है। बोलो क्या करना है? किन चीजों को आपने अंदर रखना और किन चीजों को बाहर निकालना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा अच्छा गृह स्वामी अपने भंडार से अच्छी चीजों को निकालता और बरता रहता है। क्या अंदर है? अच्छा गृह स्वामी यीशु मसीह ने कहा अपने भंडार से अच्छी चीजों को निकालता और बरता रहता है। समझ आ रही है? ये चीजें बोलो क्या है? और जब तक आपको इस चीज को अच्छे से आपको समझ नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा।